हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और एक आपकी रिक्वेस्ट है रिलेटेड टू EIS SM लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स डिस्कस दैट। बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, कोई भी पोस्ट डालो उसके नीचे लिख देते हैं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल अनाउंस इट, आई विल बिफोर आई रिलीज इट। और मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बहुत सोच समझ के, काफ़ी ड्यू डेलिजेंस करके, डेटा रिसर्च करके, आपके स्टडी मैट पास्ट ईयर सब कुछ स्टडी करके और लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को देख के रिलीज़ करता हूँ। मुझे ट्रस्ट मी, मुझे कोई लिस्ट कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं देनी है आपको कि किसी ने दे दिया तो मैंने उसको देख लिया, थोड़ा एनालाइज कर लिया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और आपको पेल दिया। ऐसा कुछ नहीं करता मैं। जब भी देता हूँ मेरी लिस्ट पहली लिस्ट होती है मार्केट में। जब EISSM की बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उससे 90-95% से ज़्यादा की एक्यूरेसी होती है, राइट। उसके पीछे रिसर्च होता है, रात काली करनी पड़ती है चार पांच, और काम करना पड़ता है। मैं लगातार उस पर काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं उसको फाइनलाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने कुछ हैं, कुछ अपने प्रोसेसेस जो मैं अब तक उसको कन्फर्म नहीं कर पाया हूँ, अब तक उसको मैं फाइनलाइज नहीं कर पाया हूँ। सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू वेट प्लीज़ फॉर माई अनाउंसमेंट। मैं प्रॉपरली आके अनाउंस करूँगा, उसके अकॉर्डिंग रिविजन भी कराऊंगा, यूट्यूब के ऊपर फ्री रिविजन कराऊंगा सबको उन लिस्ट के अकॉर्डिंग। सो प्लीज़ 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 मेरे को अलाउ मी। अगर मैं जल्दबाजी में कुछ रिलीज कर दूंगा तो फिर आपका नुकसान होगा। तो जो इतने सालों की, चार पाँच साल से जो ये लिस्ट की एक्यूरेसी बनी हुई है, शायद उस पर हो जाएगी। तो आप जब डिमांड करते हो तो थोड़ा सा आपको अपडेट कर रहा हूँ कि अगर कॉपी पेस्ट करना होता तो आप यूं मांगो, यूं दे देता हूं आपको शाम तक एक लिस्ट। बट उससे क्या होगा, आपका भी काम खराब होगा और मेरा भी नाम खराब होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो EISSM की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट अभी मैं जैसे ही मैं फाइनल कर लूंगा मैं आपको रिलीज कर दूंगा, और मार्क माई वर्ड्स, काफ़ी एक्यूरेट होगी, काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट। एंड अपनी अभी जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो फास्ट ट्रैक रेगुलर क्रैश कोर्स से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, एक एक बिटन पीसेस के साथ, कॉर्नर के साथ, सारे लाइंस एंड पैराग्राफ्स को कवर करते हुए कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करो। कवर करने के बाद स्मार्ट वर्क करने की जब बारी आएगी उस समय तक आपके पास लिस्ट होगी। ऑल द बेस्ट।